हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय की अध्याय 10 की एमसीक्यू की सीरीज में इसका प्रथम पार्ट हो चुका है और आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसके प्रथम पार्ट में हमने 1 से लेकर 50 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें बहुत अच्छे से मैंने न्यूमेरिकल्स के साथ सॉल्व करा दिया था, और उसी कड़ी में इस क्लास में हम 51 से लेकर आगे के जो भी 100+ एमसीक्यू है उनकी चर्चा हम करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैप्टर की व्याख्या नहीं देखी है तो चैप्टर की व्याख्या एक बार जरूर देख लें, और इसके अलावा इसकी प्रथम पार्ट है जो एमसीक्यू का, वो भी जरूर देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, अभिकेंद्र बल बदल देता है वस्तु के वेग। अभिकेंद्र बल लगता कब है? लगता कब है? जैसे ये लोगो बना हुआ है, ये आपकी समझ लीजिए पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी बिल्कुल गोलाकार है। जब कोई कण या वस्तु इस गोलाकार पथ पर गति करती है तो इसके वेग की दिशा तो इस तरफ होगी, जो कि बार बार बदलती रहेगी, और लगने वाले अभिकेंद्र बल की दिशा इसके केंद्र की ओर होगी। ठीक है, तो इस अभिकेंद्र बल के कारण ये वस्तु का जो वेग है इसकी दिशा बार बार क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो मैंने बताया था कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। कितनी है? 6400 किलोमीटर। लेकिन एग्जैक्ट कितनी है? एग्जैक्ट आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। चलिए मैं ही बता देता हूं, एग्जैक्ट है 6.371 × 10^6 मीटर। लेकिन जब इसका सन्निकट मान ज्ञात करते हैं तो इसे लिखते हैं 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर लिखते हैं, यानी 6.4 × 10^6 मीटर ऐसे लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10^5 kg और 10^10 kg की दो वस्तुएं 100 मीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान SI पद्धति में कितना है? ठीक है, देखो F का सूत्र क्या है, G m1 × m2 बटे में कितना है आपका R स्क्वायर या D स्क्वायर, जो भी है। ठीक है, अब यहां पर त्रिज्या की बात नहीं हो रही, दूरी की बात हो रही है, तो हम D स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हमें F निकालना है, तो देखो G का मान तो G, अब बोला है ऐसा ही पद्धति में, इस वजह से हम G का मान नहीं रख रहे। ठीक है, एम वन कितना है? 10^5 kg और एम टू कितना है? 10^10 kg। डी स्क्वायर 10, 100 को क्या ले सकते हैं? 10 का स्क्वायर है ना, तो यहां पर 100 का स्क्वायर लिख लो या 10 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, जी आधार समान होने पर घाते जुड़ती है, 10^15, ये कितने हो गया? ये हो गया 10,000। 10,000 को कैसे लिख सकते हैं? 10^4 4 से 4 पावर कट जाएगी, ऊपर कितनी बचेगी? F इक्वल टू जी गुणा 10^11, तो 10^11 जी आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान G1 है। ठीक है, और समुद्र की सतह पर G2 है, तो अधिक किसका होगा? समुद्र की सतह पर। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का जो समतल कक्ष है या जो क्षैतिज भाग होता है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा होता है, तो यहां पर जो G1 है उसका मान G2 से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे, पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण जी का मान सर्वाधिक कहां पर बदलता है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण जी का सबसे मान अधिक बदलता है, वो बदलता है ध्रुवों पर, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो त्रिज्या का मान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? त्रिज्या का मान कम होता है, और इस वजह से लगने वाले बल में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, त्रिज्या कम होती है तो लगने वाला जो बल है उस बल के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, खदान के अंदर जी का मान, तो सिंपल सी बात है, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होता जाएगा? जी का मान कम होता जाएगा, यानी कि घटता है। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचते ही जी का मान क्या हो जाएगा? जी का मान केंद्र पर शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर
को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, पृथ्वी को तोलने वाला सूत्र। यहां पर कैपिटल स्मॉल जी क्या है, यह है आपका गुरुत्वीय त्वरण, क्या है गुरुत्वीय त्वरण, ये जी क्या है, ये गुरुत्वीय नीतांक है या स्थिरांक है। फिर ये क्या है, ये आपका मास ऑफ अर्थ है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान है। और ये आर स्क्वायर क्या है, ये आपकी रेडियस ऑफ अर्थ है यानी पृथ्वी की त्रिज्या है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो जी है गुरुत्वीय त्वरण है वो कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखो सूत्र है जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, मतलब ये केवल किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर। ये दोनों क्या है, ये दोनों नियत है और साथ ही साथ जी का मान भी क्या है, नियत है। कभी भी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, चाहे वस्तु 10 किलो की हो या 500 किलो की, उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण का मान सदैव ही समान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रणोद का सूत्र, प्रणोद का मात्रक है, आपको क्या बताना है, प्रणोद का मात्रक बताना है कि प्रणोद का मात्रक क्या होता है। तो प्रणोद का जो मात्रक है, प्रणोद एक प्रकार का बल ही है और इस वजह से प्रणोद का मात्रक क्या होता है, प्रणोद का मात्रक होता है आपका न्यूटन। क्या होता है, प्रणोद का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव के अंदर नीचे जाने पर दाब, तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी द्रव के नीचे की ओर जाएंगे तो लगने वाला जो दाब है वो दाब क्या हो जाएगा, वो दाब बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में जो कमी है वो द्रव के घनत्व के क्या होती है, समानुपाती होती है। घनत्व क्या होता है, d इक्वल टू एम अपन वी। जब किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबाएंगे तो उस वस्तु के द्वारा जितने द्रव्यमान या क्या किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा, उतनी उसके भार में हमें कमी महसूस होगी। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है, अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया था, आपेक्षिक घनत्व का सूत्र होता है पदार्थ का घनत्व बटे में जल का घनत्व या प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। तो देखो दोनों चीजें घनत्व है, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, तो दोनों की इकाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, यानी इसकी इकाई कुछ भी नहीं होती। कांटी का एक सिरा नुकीला बनाकर बढ़ाया जाता है, कांटी का एक सिरा नुकीला बना के बढ़ाया जाता है, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है एफ अपॉन ए। ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर कांटी का अगला सिरा नुकीला होगा तो उसका एरिया कम है, तो जो प्रेशर लगेगा वो एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि एरिया कम होगा तो उस पर लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा। इसी वजह से जो नुकीली चीजें होती है, सुई, कील, कांटी, उसका अगला हिस्सा नुकीला बनाया जाता है ताकि उस पर लगने वाला दाब क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। किसी द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हरेक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है, और यह नियम क्या कहलाता है, क्या बोल रहा है, किसी द्रव के अंदर अगर हम किसी वस्तु के किसी बिंदु पर दाब बढ़ाए तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यह नियम क्या कहलाता है, यह नियम कहलाता है पास्कल का नियम। पानी पर तैरती वस्तु के पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, तभी तो वो तैरती है। आपको हमेशा याद रखना है कोई वस्तु कब तैरती है, तैरती कब है, जब उस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से क्या होगा, कम होगा, जल के घनत्व से कम होगा, तो वो तैरेगी। और डूबेगी कब, जब वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु डूब जाती है। यह हमेशा आपको ध्यान रखना है, इस पर आधारित कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी पर तैरती वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का वजन W1 है और वस्तु का वजन W2 है, तो फिर तो क्या होगा, W1 बराबर W2 होगा, क्योंकि वस्तु उतना ही पानी विस्थापित करेगी जिसका उसका भार होगा, अपने भार के बराबर ही वो क्या करेगी, पानी को विस्थापित कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार निर्भर करता है उसके आयतन पर, उसके घनत्व पर, गुरुत्वीय जनित त्वरण पर और उपरोक्त सभी पर, तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, वस्तु का भार इन सभी पर निर्भर करता है।
दाब की इकाई पास्कल क्या होती है? हमने पहले ही बताया था पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ की इकाई न्यूटन होती है और ए की इकाई मीटर स्क्वायर होती है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन करती हुई प्रत्येक वस्तु का त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय मात्रा किसका मापक है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का मापक है। जड़त्वीय मात्रा किसका मापक है? तो ये जड़ता या जड़त्व का मापक है। जड़ता क्या है? अपने आप में द्रव्यमान की एक माप है। और जड़त्व का नियम आप सब जानते होंगे कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, यही जड़त्व का नियम कहलाता है। कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। और यही था गति का प्रथम नियम, जो हमने चैप्टर 9 के अंदर अच्छे से पढ़ा था। किसी वस्तु की जड़त्वीय मात्रा m1 और गुरुत्वीय मात्रा अगर m2 हो तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जड़त्वीय मात्रा m1 और गुरुत्वीय मात्रा m2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, g का सर्वाधिक मान कहां पर होता है? सबसे मैक्सिमम मान होता है पृथ्वी की सतह पर, और वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? शून्य होता है। अंतरिक्ष में कितना होता है? अंतरिक्ष में भी शून्य होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर जी वन हो और ध्रुवों पर जी टू हो तो सिंपल सी बात है, ध्रुवों पर त्रिज्या कम होगी तो जी टू का मान जी वन से क्या होगा? कम होगा। सॉरी, ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो जीवन है, जीवन का मान जी टू से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिक होगी तो वहां पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर ज्यादा होगा। सॉरी, त्रिज्या अगर ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, तो यानी कि जीवन का मान जी टू से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, क्योंकि ध्रुवों पर त्रिज्या क्या होगी? ध्रुवों पर त्रिज्या कम होगी, इस वजह से लगने वाला बल ज्यादा होगा और इस वजह से जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, आगे ऊपर फेंकी गई वस्तु का त्वरण की दिशा कौन सी होती है? तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है ऐसे, तो उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या होती है? नीचे की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह t समय तक ऊपर जाती है और t2 समय में लौट आती है, तब सिंपल सी बात है, जितना समय जाने में लगेगा उतना का उतना आने में लगेगा, यानी t1 बराबर t2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु का भार किससे मापते हैं? तो कमानीदार तुला से। अगर पूछता कि द्रव्यमान किससे मापते हैं, तो द्रव्यमान मापते हैं दंड तुला से। किसी वस्तु का पानी में भार w1 है और हवा में भार W2 है, तब क्या होगा? यदि किसी वस्तु का पानी के अंदर भार W1 है और हवा में भार W2 है, तब क्या होगा? तो हवा के अंदर भार की मात्रा ज्यादा होगी, यानी W1 का मान W2 से कम होगा, क्योंकि पानी के अंदर जो भार है वो क्या हो जाएगा? वो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित भार के बराबर हो जाएगा, यानी वो बढ़ जाएगा। और हवा के अंदर जो भार है वो उसका वास्तविक भार होगा, जिस पर क्या कार्य कर रहा होगा? गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य कर रहा होगा। इस वजह से यहां पर भार की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे पानी के अंदर बढ़ते जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाएगा, इस वजह से पानी के अंदर भार में कुछ कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का जो त्वरण होता है वो कैसा होता है? वो त्वरण समान होता है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, एफ इक्वल टू जी एम वन गुणा एम टू अपॉन डी का स्क्वायर। तो देखो, एफ है वो डी स्क्वायर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला, सार्वत्रिक स्थिरांक जी, जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो देखो, जी का मान निर्भर करता है एफ गुणा डी स्क्वायर गुणा एम वन गुणा एम टू, इस पर निर्भर करता है। यानी कि सार्वत्रिक स्थिरांक जो जी है उसका मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? किन्हीं दो वस्तुओं के लिए क्या रहता है? नियत रहता है। इसका मान फिक्स है, नियत है, कांस्टेंट है। किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से डबल है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से तीन गुनी है, तो इस ग्रह पर 10 केजी द्रव्यमान का भार कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखें,
कोई प्लैनेट है एम, उसका द्रव्यमान एम पी मान लेते हैं, कितना है पृथ्वी के द्रव्यमान का डबल, तो 2 गुणा एम ई, एम ई का मतलब मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है 2 एम ई। फिर त्रिज्या एम, सॉरी त्रिज्या को मान लेते हैं हम, वो मान लेते हैं आर पी, आर का मतलब रेडियस, पी का मतलब प्लैनेट यानी ग्रह, ठीक है ये कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुनी, ठीक है यानी 3 आर ई। अब पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान है जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये जी ई है यानी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। अब हम निकालते हैं प्लैनेट पर गुरुत्वीय त्वरण, तो जी एम ई की जगह 2 एम ई और आर ई की जगह 3 आर ई का स्क्वायर, ठीक है ये कितना हो जाएगा 2 जी एम ई अपॉन 9 आर ई का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 2/9 गुणा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान रख लेते हैं अब, तो 2/9 गुणा 9.8, यहां से पॉइंट हटाएंगे इधर आ जाएगा 10, 98 गुणा 2 तो 100 कितना हो जाएगा 90 और 90 180, और इसको जब हम हल करेंगे इसको गुणा कर लो भाई 9.8 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19.6 है ना 19.6/9 अगर पॉइंट नहीं हटाएं तो, है ना, या कह सकते हैं 196/9 तो 196 के अंदर जब 9 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.27 के समथिंग, है ना, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं 2.2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 2.2 न्यूटन, ठीक है इस तरह आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की जो जांच है वो प्रयोगशाला में हो सकती है, ठीक है 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, तो देखो भार का सूत्र क्या होगा एम गुणा जी, हमें द्रव्यमान निकालना है एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी, डब्ल्यू कितना है 98, जी कितना है 9.8, पॉइंट हट गया ऊपर आ गया 10, ठीक है 98 से 98 कट गया, एम इक्वल टू आपका 10 किलोग्राम आंसर। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वबल क्या होगा, उसकी गति की दिशा के विपरीत लगेगा, सिंपल सी बात है। किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वही बात है अभिकेंद्रीय बल, किसी पिंड की ये जैसे कोई गति कर रहा है तो इसका ताक्षणिक वेग इधर है, इधर वेग है तो इसके लंबवत यानी केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वही बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। वह कौन सा केंद्रक बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो है अभिकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा होती है, पेड़ से सेब का गिरना होता है, ऊंचाई से गिरी वस्तु का नीचे आना होता है, तो क्या नहीं होता, चुंबक के द्वारा लोहे को आकर्षित करना, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है चुंबकीय बल की वजह से ना कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। आगे, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, तो आप सब जानते होंगे एफ इक्वल टू जी एम वन गुणा एम टू अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। जी का वर्तमान मान्य मान कितना होता है, तो कैपिटल जी का जो वर्तमान मान है 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये वर्तमान में प्रचलित मान है, कैसे निकलेगा एफ इक्वल टू जी एम वन गुणा एम टू अपॉन डी का स्क्वायर, यहां से जी निकालना है तो डी स्क्वायर इधर गुणा हो जाएगा, एफ गुणा डी स्क्वायर एम वन गुणा एम टू बराबर हो जाएगा आपका जी, तो एफ का मात्रक न्यूटन है, डी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर और एम वन एम टू ये द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर ये हो जाएगी इसकी इकाई, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है, बड़ी वस्तुओं पर, छोटी वस्तुओं पर, भारी वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर, तो सभी वस्तुओं पर। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को 6 गुना कर दे
तो बीच में लगने वाले बल एफ का कितना भाग रह जाएगा? देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, ठीक है, तो इसको हम कितना कर दे, 6 गुना कर दे, तो 6 डी का स्क्वायर यानी एफ ये कितना हो जाएगा 1/36 डी स्क्वायर यानी 36वां भाग हो जाएगा, ठीक है। हम कब कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरती है, तब हम कह सकते हैं कि वो वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में है। वेग में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है? तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम भाई साहब त्वरण कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है, सॉरी वेग कहते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को, और वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं आपका त्वरण। बल किसे कहते हैं? एफ इक्वल टू एम ए द्रव्यमान गुणा त्वरण के गुणनफल को कहते हैं बल। गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, और गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन होता है? गति की दिशा और साथ ही साथ वेग के परिमाण में भी परिवर्तन होता है, दोनों ही चीजें बदलती है, ठीक है। वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने में कौन कार्य करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है वहां पर। अगला, गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या है? आप सब जानते होंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विषुवत की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है? अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर त्रिज्या का मान कम होता है, इस वजह से वहां पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। और यदि वेग की विपरीत दिशा में है तो कौन सा होगा? ऋणात्मक, यानी जिसे हम मंदन भी कहते हैं। यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत लग रहा है तो वो ऋणात्मक होगा, जिसे हम मंदन या अवमंदन के नाम से जानते हैं। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया और वह 10 मीटर, यहां पर कितना कर ले आप, 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची, तो वस्तु कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई थी वो हमें बताना है, ठीक है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में, कहां पर? ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर की ओर, ठीक है, ये वस्तु है ऊपर की ओर फेंकी गई है, इसका h का मान कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, ठीक है। g का मान कितना दिया हुआ है? यहां पर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो -9.8 मीटर पर सेकंड। फिर कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, यानी u का मान हमें ज्ञात करना है, और v का मान तो अंतिम वेग कितना होगा? 0 हो जाएगा, है ना, तो हम यहां पर लगा लेते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v का मान तो 0 है तो u को इधर ला लेते हैं, तो माइनस का u स्क्वायर बराबर 2g का मान -9.8 गुणा h 10 मीटर, माइनस से माइनस कट गया, u स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 19.6 गुणा 10, तो u स्क्वायर बराबर कितना हो गया 196, u बराबर अंडरवुड 196 और u बराबर 14 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा प्रारंभिक वेग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, भार किसे कहते हैं? भार बराबर क्या होता है? m गुणा g, यानी पृथ्वी का आकर्षण बल और वस्तु का आकार, a और b दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल यानी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वही कहलाता है भार। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, कैसा है? कम है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 10 के लगभग 100 प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरी मेहनत और क्लास पसंद आई है तो बस आपका भी फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।